रैनोप्लास्टी सर्जरी यानी नाक की सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी की तुलना में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। विश्व प्रसिद्ध प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर विकास कावरी ने कायर एस्थेटिक क्लिनिक लुधियाना में सभी प्रकार की नाक की सर्जरी सफल रूप से करके एक प्रसिद्धि हासिल की है। डॉक्टर विकास कावरी रैनोप्लास्टी सर्जरी के बाद पालन करने वाले नियमों की विशेष जानकारी दे रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ रैनोप्लास्टी के बाद क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सर्जरी के बाद आप रिकवरी रूम में होंगे और आप पूरे होश में होंगे, आपको पेन नहीं होगी। बहुत पेशेंट्स डरते हैं पेन के लिए, पर पेन राइनोप्लास्टी में माइल्ड डिग्री की होती है। आपको पेन किलर्स दिए जाएंगे सिर्फ 5 दिन के लिए, सुबह शाम आपने टेबलेट खानी है। सांस आपने मुंह खोल के लेना है पहले 2 दिन, क्योंकि नाक बंद होगा, नेजल पैकिंग की होती है। आपको मुंह से सांस लेना है, मुंह बार बार ड्राई हो जाएगा, आप थोड़ा पानी या कोई भी लिक्विड थोड़ी थोड़ी देर बाद पी सकते हो, भी मुंह आपका ड्राई ना हो। सोने के टाइम आपने 2 पिल्लोज सर के पीछे रखने हैं, इससे आपकी स्वेलिंग जो फेस पे वो नहीं आएगी या कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, आपने कोल्ड कंप्रेसेस करने हैं, सीधा बर्फ़ नहीं लगानी, कोई कपड़ा ठंडे पानी में डिबो के उसको निचोड़ के फिर आपने अपने चीक्स या आईज एरिया पे लगाना है। ये भी पहले 2 दिन ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद नहीं आपने करना। जो आपकी डाइट है, आप क्या खा सकते हो, राइनोप्लास्टी के बाद हम सेमी सॉलिड डाइट बोलते हैं, आप ज़्यादा सख्त चीज़ या जिसमें ज़्यादा आपको मुंह चबाना पड़े वो चीज़ नहीं लेनी है। टूथब्रश आप डेली कर सकते हो, सॉफ्ट ब्रश लेना है। अपर लिप आपका थोड़ा सुन हो सकता है 2-4 दिन के लिए, तो आपने सॉफ्टली ब्रश कर सकते हो। नहा सकते हो आप 2 दिन बाद, आप अपना नहा सकते हो गर्दन के नीचे नीचे, तो आप जब मर्जी नहा सकते हो। फेस आप थोड़ा टॉवल के साथ क्लीन कर लो। आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपकी, आपने नोज़ बाहर को सांस नहीं लेना, ऐसे ब्लो नहीं करना, अंदर को सांस लो। पहले कुछ दिन आपने नोज़ को बाहर को सांस नहीं लेना, अगर छींक आ जाती है तो मुंह खोल के छींकना है आपने। फिर आप, कई लोग पूछते हैं हम एक्सरसाइज या कब कर सकते हैं या काम कब कर सकते हैं। आपका जो रूटीन काम है घर पे, आपने घर में घूमना फिरना है, टेलीफोन सुनना है, इंटरनेट करना है, टीवी देखना है, वो आप अगले दिन से ही कर सकते हो। नोज़ पे थोड़ी छोटी सी ड्रेसिंग होगी, पर आप अपना चल फिर सकते हो, घर में कुछ भी काम कर सकते हो। 3-4 दिन बाद आप थोड़ा बाहर भी जा सकते हो, आप बोलो मैंने पार्क में जाना है, सैर करने जाना है, 3-4 दिन बाद आप जा सकते हो। 1 हफ्ते बाद आप और मूव अराउंड कर सकते हो, थोड़ा अपने कार में पीछे बैठ के कहीं घूम के आना है, कोई काम करके आना आप कर सकते हो। अगर आपने रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, वो हम 2 हफ्ते पे बोलते हैं। कोई जिमिंग एक्सरसाइज करनी है, वो 1 महीने पे बोलते हैं। मेडिसिन कौन कौन सी लेनी है, सो एक टैबलेट ऑगमेंटिन आती है, अभी इन्फेक्शन ना हो, वो 3 टाइम खानी है 5 दिन के लिए। और एक कॉम्बी फ्लेम टैबलेट आती है पेन के लिए, वो भी 3 टाइम खानी है 5 दिन के लिए। मल्टीविटामिन, विटामिन सी आप ले सकते हो प्रॉपर हीलिंग के लिए। और एक आर्निका ड्रॉप्स आते हैं, अगर कोई ब्रूज होता है तो वो उससे वो जल्दी ठीक हो जाता है। राइनोप्लास्टी के बाद मैंने नोज़ का कैसे ध्यान रखना है, आपके नोज़ पे ड्रेसिंग होगी और जो कट होगा वो अंदर की तरफ होगा, उसके लिए हम सेलाइन स्प्रे देंगे। फस, फस, आपने दोनों होल्स में स्प्रे करना है, क्योंकि अंदर जो स्किन है वो थोड़ी वेट रहेगी, गीली रहेगी और हीलिंग बेटर होगी। सेकेंडली आपने ईयरबड लेके, कॉटन बड लेके, एक ऑइंटमेंट होती है नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट, कलरलेस ऑइंटमेंट है, वो अंदर लगानी है। जो ड्रेसिंग है आपने 1 हफ्ते बाद क्लिनिक पे चेक कराना है, वो हम ड्रेसिंग 1 हफ्ते के बाद निकाल देते हैं। राइनोप्लास्टी सर्जरी में निशान कहाँ आएगा, सिर्फ ये जो स्किन है इसको कॉलुमेला बोलते हैं, दोनों नोस्ट्रिल्स के बीच में, यहाँ पे छोटा सा कट होगा, बाकी निशान अंदर की तरफ होता है, आपको नोज़ पे कोई निशान नहीं दिखेगा।
हमने स्किन को उठा लेना है, नीचे जो भी आपका बोन है कार्टिलेज है उसको रीशेप करके स्किन को वापस रख देना है। सो आपको कोई निशान नहीं दिखेगा, यहाँ पे छोटा सा निशान होता है वो भी ओवर फ्यू मंथ्स ठीक हो जाता है। सो फॉलो अप विजिट्स, आपने कब दोबारा चेकअप के लिए आना है। आप दो दिन के बाद पहला चेकअप होता है, उसमें हम नाक में जो पैक डाला होता है वो निकाल देते हैं, आप नाक से सांस लेना शुरू कर सकते हो और दो दिन बाद ही आपको बड़ा रिलीव हो जाता है। सो पहला फॉलो अप दो दिन बाद है नेजल पैक रिमूव करने के लिए। दूसरा फॉलो अप है 7 दिन बाद, वो आपके स्किन पे, यहाँ पे सिर्फ स्टिचेस होते हैं, नोज़ पे कहीं पे स्टिचेस नहीं होते, यहाँ पे होते हैं और अंदर होते हैं, वो स्टिचेस खुलवाने के लिए आप 1 हफ्ते बाद आते हो। कई बार हम तीसरी बार बुलाते हैं अगर स्प्लिंट लगा हो, 10 दिन 12 दिन बाद हम चेक करते हैं, नहीं तो नहीं बुलाते। राइनोप्लास्टी सर्जरी की कितनी कॉस्ट होगी? सो कॉस्ट बताने के लिए, राइनोप्लास्टी बहुत तरह की होती है, उसमें थोड़ा काम करना है, ज़्यादा करना है। सो सबसे पहले हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं अपनी सामने से और साइड से अपनी पिक्चर्स भेजो। सो पिक्चर देखने के बाद हमको पता चलता है अभी ऊपर से हड्डी है उसको पास लाना है, या कार्टिलेज है, या टिप है, नोज़ कितना चौड़ाई में है, कितना लंबा है, नेजल टिप तो नहीं गिरी हुई, जो होल्स हैं उनको टाइट तो नहीं करना है, अंदर जो सेप्टम है उसको टेढ़ा तो नहीं है, उसको सीधा तो नहीं करना। सो ये सारी चीज़ें देख के हम आपको कॉस्ट बताएंगे। जब आप पिक्चर्स भेजोगे उसके विद इन 24 आवर्स आपको मेरी कॉल आ जाएगी, या मेरे साथ दो डॉक्टर और हैं, डॉक्टर रजनी हैं, डॉक्टर शरीन हैं, आपको प्रॉपरली हम समझाएंगे और कॉस्ट भी बताएंगे। कार्यस्थल क्लिनिक में सभी प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरियां की जाती हैं। कार्यस्थल क्लिनिक सौंदर्यता का प्रतीक।